राजी, आप माने ना माने, ये तेली अजरा की ही लगाई हुई। तुम तो कह रही हो कि वापस आने तक वो बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल ठीक थे, रास्ते में से सेब भी दिलाए थे कि घर जाकर खा लेना। तो फिर घर आके क्या हुआ, वो खास बात हुई क्या? कोई बात नहीं हुई अम्मी, मैं अंदर आई हूँ। अजरा भाभी से मिलकर सीधा कमरे में चली गई, पीछे से आए वो और चिल्लाना शुरू कर दिया। समन बेटा, तुम अस्मा को इसके कमरे में ले जाओ। अस्मा जाओ बेटा, फिक्र की बात नहीं है, जाओ जाओ शाम, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएगा घर। देखा तुमने, जरा देर के लिए मैं घर से बाहर निकली हूं और ये सब हुआ है। राजी, आप माने ना माने, ये तेली अजरा की ही लगाई हुई, उसी की वजह से नसीर का दिमाग घूमा होगा। लेकिन अजरा को ये बात पता कैसे चली? जमाल के मुंह से निकल गया होगा। हर किस हो ही नहीं सकता, जमाल ऐसी गलती नहीं कर सकता। चले बाजी, अब जो होना था सो हो चुका। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि जमाल से कहें कि अजरा को लेकर ना इस घर से अलग हो जाए। हाँ, वो जब तक इस घर में रहेगी ना, इस घर में सुकून हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, उसे क्या जरूरत है सदीकी भाई को जाके बताने की? उसे नहीं पता कि अभी अभी हार्ट अटैक आया उन्हें। अब हम चांद पर थोड़ी पहुंच गए थे कि राबता नहीं हो सकता। अरे रुकैया के घर में थे, फोन करके बुला लेती आपको। पता है, सब पता है शहनाज उसे, मगर उसका बस नहीं चलता कि हम कल के मरते आज मर जाए। वो तो इंतजार में बैठी है कि वकील कब आएगा। हाँ तो बस ठीक है ना, उसका हिस्सा दे दिला के ना चलता करे उसे यहाँ से। जमाल को अगर उसका हिस्सा दे दिया, तुम्हारे भाई का दिल टूट जाएगा। बड़ा बेटा चला गया तो छोटे भाई भी अपना अपना हिस्सा मांगेंगे और अलग होना चाहेंगे। नहीं शना, मैं इस घर को इस तरह से टूटता हुआ नहीं देख सकती। बाजी, कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा ना। मगर ये फैसला नहीं,